सरकार चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ जारी तनाव के बीच देश की सेनाओं को और शक्तिशाली बनाने में जुटी है। इसी कड़ी में भारतीय वायुसेना की ताकत में और अधिक इजाफा हो रहा है। आपको बता दें कि राफेल लड़ाकू विमानों की चौथी खेप के तहत 3 राफेल विमान फ्रांस के स्ट्रस एयरबेस से बिना रुके भारत के अंबाला एयरबेस पर उतर गए। भारतीय वायुसेना ने राफेल की लैंडिंग की वीडियो जारी करते हुए कहा कि यूएई वायुसेना के टैंकरों द्वारा राफेल विमानों में रास्ते में इन फ्लाइट ईंधन भरवाया गया। ये दो वायुसेनाओं के बीच मजबूत संबंधों में एक और मील का पत्थर साबित हुआ है। आपको बता दें कि भारत ने फ्रांस सरकार के साथ सितंबर 2016 में 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 59,000 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा किया था। फ्रांस की कंपनी दसॉ एविएशन से 5 राफेल विमानों का पहला बेड़ा 28 जुलाई को भारत पहुंचा था। इस बेड़े ने फ्रांस से उड़ान भरने के बाद संयुक्त अरब अमीरात में हॉल्ट किया था, जहां उसमें ईंधन भरा गया था। राफेल के पहले बेड़े को जब वायुसेना में शामिल किया गया था, तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे गेम चेंजर करार दिया था। उनका दावा था कि राफेल के साथ वायुसेना ने तकनीकी स्तर पर बढ़त हासिल कर ली है। राफेल नवीनतम हथियारों और सुपीरियर सेंसर से लैस लड़ाकू विमान है। बता दें कि मई 2020 की शुरुआत से ही चीन के साथ सीमा गतिरोध के बाद सेना हाई अलर्ट पर है। इसके साथ ही केंद्र सरकार फ्रांस की साफ्रान मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंजनों के संयुक्त विकास में भी रुचि दिखा रही। गौरतलब है कि राफेल लड़ाकू विमानों में 74 किलो न्यूटन के थ्रस्ट वाले 2 M88-3 सैफ्रॉन इंजन दिए गए हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा योजनाकर्ता चाहते हैं कि DRDO के अत्याधुनिक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए अधिक थ्रस्ट वाले इंजन। भारत में फ्रांसीसी दूत इमैनुअल लेनिन ने कहा कि कोरोना के बावजूद 2022 तक तय समय में सारे लड़ाकू विमान भारत को सौंप दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए गर्व की बात है कि कोरोना के बावजूद हम भारत को तय समय और उससे पहले राफेल सौंपने के लिए सक्षम है। यहाँ ये भी बताते चले कि भारतीय वायुसेना के अम्बाला स्थित गोल्डन एरो स्क्वाड्रन ने जुलाई 2020 और जनवरी 2021 के बीच 11 राफेल लड़ाकू विमानों को पहले ही वायुसेना में शामिल कर लिया गया है। इन्हें लद्दाख सीमा पर तैनात किया गया है। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।